नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। तो एक छोटा वीडियो है आपके लिए कि मैंने वरना ही क्यों ली और अदर कार सेगमेंट बहुत बढ़िया कार से मार्केट में, लेकिन वो छोड़ के मैंने यही गाड़ी क्यों ली उसके ऊपर एक छोटा वीडियो है। देखो, अपना अपना नज़रिया होता है, ओके, अपने अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से आदमी लोग गाड़ी अपना चूज़ करता है। नहीं तो इतनी मार्केट में गाड़ी का ऑप्शन मिल जाया होता तो लोग उसकी तरफ नहीं जाते, ओके, एक ही गाड़ी लेते हमेशा। लेकिन यहाँ ये गाड़ी लेने के पीछे कुछ दो चार रीजंस थे, उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले तो ये था कि ये था फ्रेश लुक, ओके। अब तक की सारी वरना गाड़ी थी वो मालूम है आपको, वो हो चुका था, मैंने देखा था, वो मार्केट में ऑलरेडी मिल रही थी, ठीक है, सब कुछ होता था, तो फ्रेश लुक था ये उसका। दोस्तों, अगर आप डिज़ाइन लैंग्वेज के बारे में पूछोगे मुझे, तो ये सबसे खूबसूरत दिखने वाली गाड़ी लगती है इस सेगमेंट में, इसलिए मैंने ये गाड़ी उठाई है, ओके। नो डाउट होंडा सिटी बहुत बढ़िया है, वर्चस लाविया बढ़िया है, अपनी सियाज भी वेल टेस्टेड प्रोडक्ट है, लेकिन जो वर्चस है तो ऑलरेडी मैं स्कोडा ऑक्टेविया यूज कर चुका हूँ, तो स्कोडा ब्रांड मेरा हो चुका है यूज़ करके, ओके। तो VW वर्चस है वो भी सेम ही एक ही ग्रुप के अंडर आते हैं। दूसरा होंडा सिटी है, वो 3 साल से बेचा जा रहा है, हालांकि फेसलिफ्ट आया है, ओके, 2-3 साल से होंडा सिटी बेची जा रही है, तो वो भी लोग नियर अबाउट सेम ही था, तो मुझे फ्रेश डिज़ाइन वाला चाहिए। होंडा सिटी बेहतरीन प्रोडक्ट है, अगर मुझे वरना नहीं तो मैं होंडा सिटी डेफिनेटली लेता, ओके, और वर्चस लेता नहीं था इसलिए बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक ऑक्टाविया यूज़ कर चुका हूँ और वो डीजल में थी, तो स्कोडा गाड़ियाँ मुझे डीजल में पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैं डीजल होती तो पहले वर्चस या स्लाविया ही लेता अगर वो डीजल में रहती थी, लेकिन जब पेट्रोल की बात आती है तब बहुत ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाते हैं, एंड मुझे एक वेल ट्रस्टेड प्रोडक्ट भी चाहिए था, ओके, नया फ्रेश डिज़ाइन वाला भी चाहिए था, ओके, तो ये नया डिज़ाइन है, 1.5 लीटर इंजन के साथ आ जाता है, नेचुरल एस्पिरेटेड वाला, तो ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया है। फीचर्स के बारे में, तो इसमें ये SX IVT है, अगर मैं पर्सनल यूज करूँ तो ये देखो ऐसे की मिल जाएगी आपको, पुश स्टार्ट का मतलब रिमोट के ऊपर ही आपको गाड़ी स्टार्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फीचर मुझे लगता है। इसका जो टेल लैंप्स है, ओके, ये पर्सनली बहुत है, कनेक्टिंग टेल लैंप्स मिल जाएंगे आपको इसमें। डिज़ाइन पीछे का थोड़ा कूपे स्टाइल लगेगा, ऐसा लगता है कि 30-40 लाख की गाड़ी आप चला रहे हो, ये डेफिनेटली इसमें वर्थ लगती है। देन आपको डायमंड कट अलॉयज इसमें मिल जाते हैं, ओके, और आगे से बात करूंगा तो LED में आपको हेडलाइट सेटअप मिल जाएगा, उसमें आपको कॉर्नरिंग लैम्प का फीचर मिल जाता है। देन अंदर से बात करेंगे तो आपको 6 एयरबैग्स इसमें मिलेंगे, ओके। देन देखिए ये भी जो इंटीरियर है वो भी मुझे इसका बढ़िया लगता है, जो फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, देन स्विचेबल टाइप में आपको इंफोटेनमेंट एंड AC के कंट्रोल्स, वायरलेस चार्जर, ये जो आप देख रहे हैं स्टीयरिंग वो उसमें क्रूज कंट्रोल्स, ड्राइव मोड्स, पुश स्टार्ट बटन, ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप फीचर, तो ऐसे फीचर है ना वो वाव करने वाले थे, ओके। एंड इसमें आपको सनरूफ मिल जाता है, ऑटोमेटिक डे नाइट रियर व्यू मिरर मिल जाता है, ओके। तो साइड से बात करेंगे तो इस तरह से है, व्हील बेस सबसे ज़्यादा है, ओके, व्हील बेस नियर अबाउट 2670 mm का है और वो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। देखिए कितना लंबी गाड़ी आपको दिखती है, बहुत लंबी हो चुकी है, डिज़ाइंस और क्रीजेस बहुत ही खतरनाक लगते हैं, ओके, देखो कहाँ पे भी देखो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के तहत उसे बनाया गया है, उसे हुंडई वाले कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो मतलब डिज़ाइन लैंग्वेज मुझे पर्सनली इसकी बहुत बढ़िया लगी है, ओके। बाकी अगर मुझे सेकंड लेने होती तो मैं आग बंद करके होंडा सिटी ले लेता, क्योंकि यार मतलब वो भी मुझे बहुत पसंद है गाड़ी, और मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मैं ऑक्टावा यूज़ कर चुका हूँ, तो स्कोडा वोल्सवैगन मैं लेता ही नहीं बिकॉज दैट वाज इन डीजल, और ये पेट्रोल की उसमें मैं लेता ही नहीं। बाकी सर्विस हुंडई का बहुत बढ़िया है, ओके, उनका कहीं पे भी जाओ सर्विस नेटवर्क अच्छा स्ट्रांग है, एंड रिलायबिलिटी आपको इसमें मिलेगी, रीसेल वैल्यू इसमें आपको मिलने वाली है। इंटीरियर जो मटेरियल क्वालिटी है डेफिनेटली कहीं गुना बेहतर है, फिट एंड फिनिश बहुत बढ़िया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, रैटलिंग नॉइस एज सच आपको इसमें नहीं दिखाई देगा, तो वो भी एक रीज़न है कि हुंडई वरना लेने के बजाय। और ये देखिए जा रही नियोस, मेरे पास नियोस थी पहले CNG में, जब ये देखता हूँ ना इसे तो बहुत याद आती है यार मेरी गाड़ी की, इट्स टाइम। तो सब कुछ है इसमें, रिलायबिलिटी है, एंड मोस्ट अभी मैं क्या बता रहा था कि वरना मतलब बचपन से ही मेरा ऑक्टेविया थी जो इसका जो फ्लूडिक वर्जन था, या फिर जो वरना ने क्रेज चालू किया 2011 वाला जो जनरेशन था, सेकेंड जनरेशन उसने, तब मेरे दिमाग में आया था कि बाबा एक बार तो वरना अपने को लेनी है। और ये
डिज़ाइन पसंद आया और ये गाड़ी मैंने 14,23,000 एक शोरूम में से उठाया है और रियली बहुत बढ़िया लगता है गाड़ी चलाने के मामले में। अच्छा है, कंफर्ट बहुत बढ़िया है, फीचर्स बहुत बढ़िया है, ओके सब कुछ इसमें अच्छा दिया गया है। निगेटिव्स भी है, उसके ऊपर भी मैं डेफिनेटली वीडियो लाऊँगा, ओके एंड सब कुछ मिल रहा है इसलिए। बाकी किसी कोई गाड़ी भंगार नहीं होती, हर गाड़ी अच्छी होती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखो माइलेज तो 8-10 का ही मिलेगा आपको सिटी में, और दो कुछ कौन सी भी गाड़ी ले लो आप ये सेगमेंट की, कौन सी भी 8 से 12 के बीच में आपको माइलेज देने वाली सिटी में, ओके वर्चस ले लो, स्लाविया ले लो, होंडा सिटी ले लो और ये वरना ले लो, ओके पैसा तो आपका पीने वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बोलते हैं ना, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट अपनी अपनी पसंद होती है, तो दिस इज़ ऑल न्यू वरना वरना जो मैंने खरीदी है महाराष्ट्र की सबसे पहली वरना मैंने उठाई है। तो दोस्तों यही कुछ रीजंस थे जो हुंडई वरना लेने के, बाकी कोई रीजंस नहीं है एज सच, ओके अपनी अपनी चॉइस रहती है, ओके और हर एक को अपनी गाड़ी अच्छी लगती है। लेकिन मुझे पर्सनली बोलोगे तो मुझे वरना अच्छी लगती है, लेकिन होंडा सिटी भी उतनी खास है। जब अगर आप बोलते हैं ना कार लवर्स हो तो आप किसी गाड़ी को हेट नहीं कर पाते, आप सिर्फ क्या कर पाते हो, कौन सी गाड़ी आपके बजट में बैठ रही है, कौन सी गाड़ी आपके रिक्वायरमेंट पे बैठ रही है, ओके कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी हो रही है, उसमें से आप सिलेक्ट करते हो। हर गाड़ी का प्लस है, हर गाड़ी के निगेटिव्स रहेंगे, पॉजिटिव्स रहेंगे और अकॉर्डिंगली आपको गाड़ी सिलेक्ट करनी पड़ती है, ओके टेस्ट ड्राइव लेना, ठीक से सिलेक्ट करना गाड़ी, टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना दोस्तों। दूसरा एक है, जो प्रोडक्ट आप ले रहे ओके वो प्रोडक्ट के पॉजिटिव निगेटिव, सर्विस नेटवर्क्स, मेंटेनेंस कॉस्ट, देन रिलायबिलिटी, रिसेल वैल्यू, वो सारा कुछ चेक करना, फिट एंड फिनिश चेक करना, बेस्ट ऑन दैट आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए। तो मतलब मेरा वरना रीज़न लेने का रीज़न मैंने आपको बता दिया, फ्रेश लुक था इसलिए मैंने ये उठाई है, दिखने में बहुत बढ़िया है, फीचर्स बहुत बढ़िया है, ओके इसलिए मैंने ये ली है गाड़ी। बाकी मैं सभी गाड़ियों से प्यार करता हूँ, कोई भी गाड़ी मुझे चलाने तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके क्योंकि सारे मतलब यार ये सेगमेंट में ना, अगर एसयूवी का ज़माना है, लेकिन ये सेगमेंट में आप मुझे पर्सनली पूछोगे, वर्चस टर्बो बाप है, होंडा सिटी नेचुरली जो उनका होंडा सिटी का इंजन है, रिलायबिलिटी अरे बाप रे, मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल ही है, ट्रस्टेड प्रोडक्ट है होंडा सिटी, सियाज मारुति का ट्रस्टेड प्रोडक्ट, मतलब ये सेगमेंट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो फेल गया है। स्लाविया भी उतनी बेहतर है, वर्चस भी उतनी बेहतर है, सिटी तो बहुत बढ़िया है, ओके सियाज भी बढ़िया है, यही रीज़न थे बिकॉज ऑफ दैट वरना ली है मैंने, बाकी कोई रीजंस नहीं है एज सच, हर एक का अपना अपना तरीका है, अपना अपना सिलेक्ट करने का रीजन से मैंने इसलिए ली है, बस तो बस कुछ नहीं है। मैं ये गाड़ी के प्यार में तो बहुत पागल हो चुका हूँ, देखिए कैसे दिख रही है, अमेजिंग है ना, ब्लैक ब्यूटी बहुत बढ़िया लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। With the bills.